रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजे बाजे के साथ अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि देश का युवा सेना का बहुत सम्मान करता है। अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन बीते दो दिन से आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं कि युवा सेना में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के तहत नहीं, वो पुराने तरीके से भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के बीच इस योजना के तहत बहुत ही रोष देखने को मिल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को तोड़कर नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिवपुरी जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सेना में नई भर्ती प्रणाली को लेकर युवाओं में जो भ्रांतियां व अफवाह फैल रही हैं, उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल व कलेक्टर अक्षय कुमार ने आम जनता व युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जिले के कलेक्टर व अपर कलेक्टर ने। शिवपुरी के युवाओं से मेरी अपील है, जो लोग खासतौर से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में सीएपीएफ वगैरह की भी देते हैं परीक्षाएं, पुलिस की भी देते हैं, कि किसी भी तरीके से किसी भी भ्रम में आके अपने को हिंसा या कोई अपराध कारित ना हो, ऐसे जरूर ध्यान रखना है। कल ग्वालियर में इस तरह से वातावरण हुआ, सरकारी संपत्ति को, लोक संपत्ति को नुकसान पहुँचा है, वो जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों के नाम आए उनके लिए दिक्कत आएगी। और इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी बात जो लोकतंत्र तरीके से रखने की बात है, तो वो चूंकि कल ही घटना हुई है और कुछ असामाजिक तत्व जो है इन बातों को इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें तोड़फोड़ करनी है या कुछ ऐसा करना है, वो खासतौर शिवपुरी को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा शिवपुरी के सभी निवासियों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को समझाएं, बात करें इसमें, और युवा भी इस बात को ध्यान रखें कि लंबा करियर उनका रहता है और जीवन में वो काफी आगे जाएंगे, इस तरह की चीजों में ना पड़े जिससे कि अपराध की श्रेणी में उनका कृत्य आए। बाकी जो भी उनकी बातें हैं वो निश्चित तौर पे पहुंचाई जाएंगी ऊपर लेवल पर भी, और जिसमें नीति का जो भी निर्णय होंगे उनसे उनका अवगत भी कराया जाएगा। कलेक्टर शिवपुरी की हैसियत से अपने उन युवाओं युवतियों से अनुरोध कर रहा हूँ जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कि अभी कुछ दिनों से इस संबंध में जो तरह तरह की बातें चल रही है, जिसकी वजह से उत्तेजना में कुछ ऐसे गतिविधियों की सूचना आ रही है जिनके कारण हमारे इन बच्चे बच्चियों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सही है कि समाज में जब तरह तरह के इस प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं तो भ्रम पैदा करने वाले पीछे हो जाते हैं और दूसरे लोग अनावश्यक परेशानी में फंस जाते हैं। आप सबों के आगे लंबा कैरियर है, आप अपने बारे में ये जरूर ध्यान रखें कि आपके हाथों से आपके द्वारा कुछ ऐसे काम ना हो जाए जिसकी वजह से आगे आपको परेशानी हो। हो सकता है आर्मी भर्ती के बारे में आपको कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, उसके लिए मैं लगातार आप लोगों के बीच उपलब्ध हूँ। आपके माननीय प्रतिनिधिगण उपलब्ध हैं, आपको जहाँ भी सुविधा हो आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं आप सबको आश्वस्त भी करता हूं कि आप लोगों की बात सक्षम स्थान तक पहुंचाऊंगा।